मैंने सलार के टीजर वाले वीडियो में बोला था कि दिस इज लुकिंग वे टू सिमिलर टू KGF, तो आप लोगों ने बोला था कि ये KGF के यूनिवर्स का ही पार्ट है, बट रिसेंटली मेकर्स ने आके बोला कि सलार इज एन इंडिपेंडेंट फिल्म, हैज नो कनेक्शन टू KGF यूनिवर्स, एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट इज हैपनिंग। ओके, जो मैंने वीडियो बनाई थी कि व्हाई डू ऑल साउथ मूवी ट्रेलर्स लुक्स द सेम, वो वीडियो का टाइटल थोड़ा सा गलत था। एक्चुअली होना चाहिए था कि व्हाई डू ऑल द प्रशांत नील मूवी ट्रेलर्स लुक्स एग्जैक्टली द सेम। इज इट अ बैड थिंग? नो, इट इज नॉट। लेकिन आज मैं एक मार्वल के ऊपर वीडियो डालने वाला था, लेकिन आप लोगों ने बोला कि आप लोगों को मेरा सलार का ट्रेलर वाला वीडियो चाहिए, तो इसीलिए आई एम सेइंग थिंग्स दैट आई हैव टू से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग सलार के ट्रेलर का जो नेविगेशन बार है उसको देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे प्रभास की एंट्री होती है, और KGF 2 का अगर हम लोग सेम नेविगेशन बार को देखेंगे देन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम टाइम पे ही रॉकी भाई की एंट्री होती है। सो जो एडिट है, जो कहानी का जो स्टाइल है, बताने का जो स्टाइल है, जो पेसिंग है, इज एग्जैक्टली द सेम। और कलर ग्रेड के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने बात की है और आगे भी करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले लेट मी थैंक आवर टुडेज स्पॉन्सर हिटपो ऑनलाइन AI बैकग्राउंड जनरेटर। एज ऑलवेज हिटपो के हर टूल की तरह ये भी एक ड्रैग एंड ड्रॉप ऑनलाइन AI टूल है, जहां पे आपको जाके बस क्लिक करना है जनरेट नाउ के बटन पे, जो आपको इस डैशबोर्ड में लेके जाएगा, और यहां पे आप अपने चॉइस के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, एंड नीचे आपको कुछ थीम्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने अपने इस माउस के इमेज को यहां पे डाला और थीम चूज किया स्नो, एंड इफ यू क्लिक ऑन जनरेट देन जस्ट लाइक दिस इट विल गिव यू फ्यू ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, एंड इफ यू कैन सी इट कैन रियली डू अ ग्रेट जॉब। और उतना ही नहीं, उसके बाद मैंने फिर से अपने एक रैंडम से जूते का इमेज लिया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और थीम चूज किया ऑटम, और हर थीम के साथ ना आपको नीचे एक प्रॉम्प्ट भी मिलेगा जिसको आप एडिट भी कर सकते हो। मैंने प्रॉम्प्ट को थोड़ा हल्का सा एडिट किया, एंड इफ यू क्लिक ऑन जनरेट देन द AI गेव मी दीज ऑप्शंस। लिटिल बिट आउट देयर, लेकिन मुझे ही अच्छा लगा कि लाइटिंग एंड पर्सपेक्टिव को एकदम बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखा है, सो इट एक्चुअली वर्क्स। तो नीचे लिंक्स है, यू कैन एक्चुअली गो एंड हैव सम फन With Hitpo Online AI Background Generator. Now back to the video. अभी एक चीज है कि अगर हम लोग KGF 2 के बिहाइंड द सीन्स फुटेजेस को देखेंगे ना, तो वहां पे देख के हम लोग को पता चलता है कि प्रशांत नील ट्राइज टू डू एवरीथिंग इन कैमरा, वो बहुत ही कम VFX को यूज करते हैं। VFX we have only used for extensions most of the times. Very few places we felt we have to fill it till the end. और सलार के ट्रेलर को देख के भी ना ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा VFX है, लेकिन जो थोड़े से शॉट्स हैं जो VFX हैं, दोज ऑल्सो लुक्स गुड। जैसे कि ये वाला शॉट, दिस लुक्स कम्प्लीटली VFX, और इसके बाद वाला शॉट भी, यहाँ पे भी। पहले वाले शॉट में आप देख सकते हो ये जो लाइट एंड शेडो है ना, दिस लुक्स वेरी क्रिस्प एंड वेरी ऑन पॉइंट, मतलब ऐसा लगता है कि आउटडोर में ही शूट हुआ है। लेकिन वही सेम वॉल नेक्स्ट शॉट में जब आता है ना, तो वहाँ पे अचानक से शेडोज गायब हो जाते हैं। सो आई एम श्योर कि इस वाले शॉट में ना, देयर विल बी पार्ट्स, दोज आर शॉट प्रैक्टिकली ऑन सेट, बट आई एम श्योर कि ये जो वॉल है ना उसको एक्सटेंड पक्का किया गया है। एंड नोइंग एंड ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स हैपन इन मूवीज, सो आई एम श्योर कि इस मूवी में भी ना सेट एक्सटेंशन के लिए VFX का यूज किया गया है मेजरली, बट इट इज नॉट वेरी डिस्टर्बिंग, ये आपको कहानी के साथ ही रखता है। अब एक चीज है कि वी ऑल नो दिस कलर ग्रेड स्पेसिफिकली जो KGF या फिर सलार में यूज हुआ है, दिस कलर ग्रेड इज वेरी मूडी, और वही मूडी चीज को, मतलब वो मूडी लुक को मेंटेन करने के लिए ना वहां पे क्या गया था, अगर हम लोग KGF के बिहाइंड द सीन्स को देखेंगे ना, तो उन्होंने सन ब्लॉकिंग शेड्स, मतलब सन को कंप्लीट डायरेक्ट सन को ब्लॉक करने के लिए ऐसे बड़े बड़े व्हाइट कलर के शेड्स लगाते हैं, सो दैट वो जो हाईलाइट होता है ना वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और आपको एक फ्लैट मूडी इमेज मिले। लेकिन स्पेसिफिकली सलार के जो इंडोर शॉट्स है ना, वहाँ पे हाईलाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। ऐसी जो ड्रामेटिक लाइटिंग है ना, ये मूवीज़ में यूज़ होना कोई अननेचुरल सी चीज़ नहीं है, ये होता ही है। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहाँ पे ये लुक अच्छा भी लगता है, बट आई फील जो शॉट्स हम लोग को ट्रेलर में दिखे अभी तक, वो ना बहुत ज़्यादा ऐसे सिन सिटी वाली टेरिटरी में चले जाते हैं। जैसे कि ये शॉट आप देख सकते हो, दिस शॉट एग्जैक्टली लुक्स लाइक इट इज टेकन फ्रॉम सिन सिटी, एंड दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। देखिए, जो मैंने ट्रेलर के एडिट स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, विच इज़ वेरी सिमिलर, और इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात करी है
कि कैसे कैसे एक डिप आता है, कैसे कैसे हीरो की एंट्री लाई जाती है एंड देन कैसे कैसे क्रिशेंडो में एंड किया जाता है। लेकिन जो चीज़ है ना कि दिस इज सो सिमिलर टू KGF कि ऑब्वियसली कंपैरिजन आएगा ही। बहुत लोग अभी मुझे इस वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि भाई तुम इतना ज़्यादा KGF के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ वेरी डायरेक्ट। एंड देखिए अभी प्रशांत नील और जो मेकर्स हैं उन्होंने कोशिश भी नहीं करी कि कुछ दूसरा करें, मतलब कुछ भी दूसरे टाइप का एक लुक या फिर कोई भी दूसरे टाइप की एक स्टोरी टेलिंग हम लोग ट्राई करें। दे डिडंट इवन ट्राई। इनफैक्ट मैंने KGF के गरुड़ा को भी देखा सेम लुक में इस ट्रेलर में, और ट्रेलर के विजुअल्स जितने ही अच्छे हैं दिखने में, जितने प्यारे से या फिर वेरी ग्राफिक नॉवल टाइप लगते हैं, म्यूज़िक ना मुझे उतना ही डिस्टर्बिंग सा लगा। क्योंकि अगर आप इस ट्रेलर को अच्छे से देखोगे ना, तो पहले के 30 सेकंड्स में, ट्रेलर के शुरू होते ही 30 सेकंड्स में 3 बार म्यूज़िक चेंज होता है। सो इट लुक्स लाइक दोज रील्स ना, जहाँ पे एक सीन के पीछे ऐसे बैकग्राउंड, ड्रामेटिक बैकग्राउंड लगा देते हैं ताकि वो सीन थोड़ा एलिवेट हो जाए, बट इट एंड्स अप डिस्टर्बिंग यू। तो वही वाली फील ना मुझे इस ट्रेलर में भी आया कि थोड़ी सी शांति दो मुझे, इतना ऊपर क्यों रखा है म्यूज़िक को। कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती। और म्यूज़िक डिप होता है, मतलब ट्रेलर थोड़ा सा शांत होता है जब प्रभास की एंट्री होती है इस ट्रेलर में। दिस इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे म्यूज़िक थोड़ा सा शांत होता है। भाई बता मुझे। देवा। फिर जो कॉस्ट्यूम्स हैं इस ट्रेलर के, अभी देखिए ये पता नहीं आर्ट डायरेक्शन ने क्या डिसीजन लिया इसमें, बट KGF जो थी, मतलब पहली वाली जो KGF थी, इट वॉज अबाउट अ गैंगस्टर जो आके अपना पूरा किंगडम बनाता है, एंड इट लुक्ड एंड फेल्ट लाइक दैट। सच बताऊं तो सेकंड जो पार्ट है KGF 2, उसमें अचानक से संजय दत्त का जो कैरेक्टर था वो अचानक से वाइकिंग वाला चीज़ आ गया, मतलब थोड़ा सा वो कॉमिकी टाइप का वो लुक दे दिया गया। इन माय ओपिनियन वो थोड़ा सा मुझे इम्प्रैक्टिकल तब भी लगा था, अब भी लगता है, क्योंकि कोलार जो है वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर आपकी 25 से 35 के बीच में रहती है, तो उस टेम्परेचर में मतलब ये प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम तो बिल्कुल नहीं है। एंड इफ़ यू डू थिंग्स टू दीज कैरेक्टर्स ना, तो ऐसा लगता है कि आप देखिए ये कैरेक्टर को, आप देखिए कैन यू इमेजिन हिम हैविंग गोभी की सब्जी एंड दाल विथ राइस। ऐसा लगता है कि ये लोग किसी और प्लैनेट से ही आ गए जो ये चीज़ है, मतलब हर कैरेक्टर इज लाइक दैट। इनफैक्ट इतना ज़्यादा हो गया है यहाँ पे कि मेकर्स हमसे सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इतना ज़्यादा मांग रहे हैं कि ये जो एक नॉर्मल कैरेक्टर है जो सूट पैंट में है, ही लुक्स आउट ऑफ द प्लेस। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इट माइट वर्क अगेंस्ट देम ऑल्सो, क्योंकि आपको ना एक मूवी के साथ रिलेट करने की बहुत ज़रूरत होती है कि यू हैव टू बी इन देयर वर्ल्ड, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता है माइट एंड अप डिस्टर्बिंग। एंड नाउ प्रभास, हमारी आर्मी किधर है? ऑफ कोर्स ही लुक्स बेटर देन आदि पुरुष ऑब्वियसली। अगर आप प्रभास के फैन हो देन आई एम सॉरी, लेकिन मेरा प्रभास के ऊपर से पूरा जितना भी भरोसा था सब उठ चुका है। आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म फॉर प्रभास, इनफैक्ट पीपल विल बी वॉचिंग दिस फिल्म फॉर प्रशांत नील। और KGF 1 में ना एट दैट पॉइंट जब मैंने देखी थी, एटलीस्ट आई डिडंट नो हु यश वॉज, मेरी इंट्रोडक्शन यश से उस मूवी में ही हुई, एंड इसीलिए शायद आई वॉज सीइंग रॉकी भाई इन दैट मूवी। बट इन दिस मूवी ना वी ऑल नो हु प्रभास इज, एंड वी कैन सी हिम ट्राइंग हिज बेस्ट टू गिव अस अ हिट, वो चीज़ ना पता चलता है। एंड वो भी एक चीज़ है कि देखिए अभी प्रभास के कैरेक्टर को एक कैरेक्टर मूवमेंट दिया गया है इस ट्रेलर में, एक जो है लास्ट वाला जो सीक्वेंस आता है, प्लीज आई काइंडली रिक्वेस्ट, बट वही सेम चीज वी हैव सीन डन बेटर। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट नो विच वे दिस विल गो, मुझे नहीं पता कि अच्छा होगा या बुरा होगा, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टॉप दिस। जस्ट टू रिमाइंड यू वंस, जस्ट लुक एट दिस। कैन सलार टॉप दिस? वी कैन ओनली होप। आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हो इस ट्रेलर के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द डिसलाइक बटन इफ यू डिन लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट टू सी मोर वीडियोज लाइक दिस। दिस इज शमीम, वी वॉचिंग की बाकी भी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।